ये जनाब कमरा ऐसे डेकोरेट किया जाता है शादी वाले दिन। ये फिश प्रिपेयर हो गई है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस तरह पाकिस्तानी जब मिलते हैं ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सपेक्ट भी बंदा नहीं कर रहा होता, तो बड़ा एक दिल खुश हो जाता है बंदे का। ये श्रिम्प की डिश है और साथ में मंदी। ये खजूर है, इसमें बड़ी नरम सी और बेहतरीन सी, ये देखो। अच्छा ये स्टार फिश है, इसका टेक्सचर ही बड़ा मज़े का यार। ये चेक करें जी, एक व्यू बड़ा प्यारा सा आया है रास्ते में। ये हाइट है थोड़ी सी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे एक विलेज है, ये छोटा सा, इसको विलेज ये कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये सिटी है। बड़ा खूबसूरत सा व्यू आया इसका। अभी तक मलिक जो है मेरे साथ हैं, मुहंदिस को हम छोड़ आए हैं उसके घर पे। उसका जो टाउन है वो किश्म शहर से थोड़ा दूर है, उसको छोड़ा है उसने, हमें चाय शाय पिलाई है अपने घर में, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो वो कह रही थी कि मेरे घर में जो है ना वो सब सामान बिखरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ की वीडियो ना बनाओ, वहाँ की मैंने नहीं बनाई। बहरहाल इट वॉज फन, इट वॉज रियली गुड टाइम वी स्पेंड टुगेदर। एंड मलिक इज़ टेकिंग मी बैक टू द किश्म सिटी, एंड वी आर गोइंग टू गो टू सम गुड फेमस रेस्टोरेंट एंड एक्सप्लोर सम फूड, राइट? Yeah, let's go. This is beautiful place, bro. This is very nice place. I like the view. Did you like it? Yeah. अब हम आ चुके हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वो जो मैंने आपको विलेज का सीन दिखाया था उसी विलेज में ये रेस्टोरेंट है। इसका नाम है रेस्टोरेंट कबाबी शफाई दफारी। ओके, तो इसमें सी फूड इज गुड हियर, सी फूड कबाब। ओके, सो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं अच्छा सा, और आपको दिखाते हैं खाना कैसा है। जनाब रेस्टोरेंट की एंट्रेंस चेक करें ज़रा, बड़ी यूनिक सी लुक है इसकी, बड़ी ओल्ड सी लुक है, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा रेस्टोरेंट के साथ साथ इसने बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जी, म्यूज़ियम टाइप भी, मतलब ये है, ये देखें, ये जो है ये एक जहाज़ है लकड़ी का बना हुआ, बड़ा खूबसूरत सा, चेक करें। रेस्टोरेंट तो है ही है, लेकिन आप ये चीज़ें, ये सीन्स भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके, सारे किश में इस तरह से जनाब शादी की सेरेमनी होती है, शादी की तकरीब ऐसी होती है, बड़ी खूबसूरत सेरेमनी द नाइट ऑफ वेडिंग। ओके, नाइट ऑफ वेडिंग, यस, इट्स हो, दिस इज अ बेड फॉर मैन एंड वाइफ, फॉर मैन, फॉर ग्रूम, यू नो, या ओके, जो दूल्हा होता है वो ये वाला ड्रेस पहनता है शादी वाले दिन। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जनाब कमरा ऐसे डेकोरेट किया जाता है शादी वाले दिन। ये इधर शीशे लगे हुए हैं और इस पर हर तरह के फूल वगैरह हैं, और ये जनाब मेन चीज़ ये वाली है, समझ तो गए होंगे आप। ये चेक करें, खूबसूरत सा रूम तैयार करते हैं यार ये शादी वाले दिन। अच्छा है यार इनका, मतलब ये देखें, हमारी भी वो करते हैं ना, हमारी भी मसहरी बनाते हैं, ये डेकोरेट करते हैं सारा कुछ, लेकिन इनका जो है ना सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें, तकिए वगैरह लगे हुए हैं नीचे बैठ के, मतलब इस तरह का रूम ये लोग तैयार करते हैं, ये ट्रेडिशनल है इनका, रवायती जो है ना। ये देखें, एक रेस्टोरेंट भी है साथ, इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज अगेन प्लीज़? शाफाई दफारे। ओके, यहाँ पर अगर आप आए ना केश में, तो आपने ये रेस्टोरेंट लाजमी विज़िट करना है। यहाँ पे आपको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मिलती है, ये देखें, ये सीन्स मिलते हैं, म्यूज़ियम टाइप मिलता है, एक और खूबसूरत सा बहरी जहाज लकड़ी का, ये चेक करें, यहाँ पर लोग बैठकर खाना खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और ट्रेडिशनल किस्म का पुराना स्टाइल में बना हुआ है, ये चेक करें।
और यहाँ पर ये बुफे सिस्टम भी है, ये मीठा है, मीठे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये सैलड है, ये चीज़ लग रही है, और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हैं, और ये सब डिशेस हैं। हलीम, ये हलीम है जी, स्वीट हलीम, राइट, ये हलीम है इनकी जनाब, ये मीठी होती है। सूप, ये सूप है इसके अंदर, चेक करें। और ये नान, नान पड़े हुए हैं बड़े ज़बरदस्त से, गरम गरम। पकोड़ा, पाकिस्तानी पकोड़ा और समोसा पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तानी समोसा। ये चने पड़े हुए हैं, वाह, ये चने तो लाहौर वाले चने लग रहे हैं भाई, बोगले। ओके, ये यहाँ पर ईरान में मैंने बहुत देखा है जगह जगह ना, ये कुछ चाट होता है, जैसे हमारे लोबिया होता है या चने होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखें खूबसूरत सा ऊँट, ये स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल ही, लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो ये दिस इज़ द सिटिंग एरिया, इनका मेन्यू, ये देखें फ्रंट पेज है, और इसमें लिखा हुआ है खुश आमदीद, अहलन व सहलन, खुश हिंदी, वेलकम। ये तीन चार जबानों में इन्होंने किया हुआ है। और ये देखें ये मेन्यू सिस्टम है इनका, मिक्स गोश्त, अरबी, मंदी गोश्त, यमनी, यमन का भी गोश्त मिल रहा है यहाँ पर, मिक्स खालू अब्दुल्ला। यहाँ पर कोई इनका कोई जो है ना स्टाफ मेंबर है जो पाकिस्तानी है, तो देखते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि वो पाकिस्तान में कहाँ से हैं और इतने दूर एक छोटे से आइलैंड पर क्या कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? ठीक है, सब खैरियत से? पाकिस्तानी है? हाँ जी, पाकिस्तान। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से। इस्लामाबाद रावलपिंडी से। और आप? मैं सर जी पाकिस्तान इधर से लोधरा से। लोधरा से हैं? जी जी, मुल्तान के साथ। काफी अरसे से इधर ही हैं। अच्छा, 5-6 साल से इधर हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, शेफ हैं? जी, हेड शेफ इधर ही हैं। अच्छा, हेड शेफ हैं आप, माशाल्लाह। यहाँ ये मेरे भाई एक दोस्त लेके आए हैं, ये ईरान से, इनसे मेरी ऑनलाइन गपशप थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बड़ा ये अच्छा रेस्टोरेंट है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप हेड शेफ हैं तो डेफिनेटली टेस्ट तो अच्छा होना ही है फिर, एक पाकिस्तानी जब कुक होता है तो फिर टेस्ट बिल्कुल हो जाता है। तो क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? इधर हमारे जो फेमस डिश है हमारे अरबिक है और हिंदी है, अरब और हिंदी सी फूड में है, सी फूड है, ये ईरानी है, ईरानी डिशेज भी हैं। जी जी, मोहम्मद इलियास, इलियास भाई, मेरा नाम शाहिद है। ये देखें जी, ये अरबिक डिश है मंदी। ये मंदी है? अच्छा, मंदी पाकिस्तान में भी मिलती है, लेकिन ये बड़ी मंदी हमारी बिल्कुल। अच्छा, बहुत नरम नरम। और ये कैसे पकाते हैं, स्टीम में इसको? अच्छा, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? इसके इधर ईरानी तो पाकिस्तानी तकरीबन 3,000 के करीब है। अच्छा, ठीक है। ये फिर बिरयानी आ गई हमारी, बिरयानी हमारी पाकिस्तान की स्पेशलिटी। ओके, ठीक है, ठीक है। व्हाइट स्टीम राइस आ गए हैं, ठीक हो गया। ये स्टीम राइस है, ये लोग यहाँ पर ईरान में खाते हैं। ये जो है जो अरबिक गुजी है, जो कामिल होती है क्या? अच्छा, गुजी बकरी के साथ, ये फुल बकरा है, फुल बकरा होता है बिल्कुल, माशाल्लाह। चेक करें जरा यार, इसकी भी प्लेट वाइज है सिस्टम? भी प्लेट, ये भी पाकिस्तानी तकरीबन 3,500-3,000 रुपए की प्लेट है, और एक बंदे के लिए होती है ये, एक पर्सन, एक पर्सन के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा हिंदी में आ जाता है थोड़ा, हिंदी में ये चिकन कोरमा है ना हमारा, हाँ ये कोरमा है जी, चिकन कोरमा। चेक करें, ये भी स्पेशल लग रहा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। और ये मटन कोरमा आ जाता है, मटन कोरमा, वाह जी जी, क्या बात है यार। फिश फ्राई, और ये वाह, ये 2 किलो की तो होगी मेरे, 2-3 किलो की, 1.5 किलो की है, 1.5 किलो की, हाँ जी, खाली 1.5 किलो की है तो पूरी 2 किलो। अच्छा, चेक करेंगे फुल। ये भी एक बंदे के लिए ऑर्डर होता है, एक बंदा या दो बंदा चाहता है? दो बंदे। अच्छा अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी भी तकरीबन 550 रुपये, ईरानी 550 रुपये, 3,000। ठीक हो गया, ये क्वान्टिटी आपकी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी बड़ी मछली है, दो बंदे आराम से खा सकते हैं। ये मंदी 1 प्लेट है ना, ये 1 प्लेट, ठीक हो गया। ये चेक करें, सारा मटन में है ना? हाँ, ये टोटल मटन में है, मटन की भी ये ज़बरदस्त किस्म की है, बोटी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। लेग पीस आ गया और ये गर्दन का। अच्छा, 2 पीसेज हैं इसमें? दो पीस। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। इसके ऊपर ये यखनी कुछ डाल देते हैं। अच्छा, यखनी भी डालते हैं? हाँ, यखनी भी डालते हैं। वाह 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 वाह, गाजर है ऐसे करके यखनी डाल के ताके, वाह वाह वाह, ये और मज़ेदार हो जाएगी अब इससे, मज़ेदार हो जाएगी, क्या बात, ज़बरदस्त। ये देखोगे जी, मंदी तैयार, एक प्लेट। ये थोड़े से अच्छा पोटैटो है,
अच्छा पोटैटो है जी जी फ्राइड अच्छा ये स्पेशल गोल किस्म के फ्राइड है लंबे वाले नहीं है नहीं नहीं फ्राइड और ये धनिया शनिया है ना जी वाह हमारी वन पर्सन के लिए ये चेक करें जी ये एक पर्सन के लिए इनफ मोर देन इनफ है और दो बंदे भी मेरे ख्याल में खा सकते हैं ये फिश प्रिपेयर हो गई है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ ये 2 kg की फ़िश है और देखें कितनी खूबसूरत फ्राई की है उन लोगों ने और ये साथ फ्राइड फिश है फ्राइड फिश है वो बोनलेस है बोनलेस है अच्छा इसमें कोई बोन नहीं है कोई कांटा नहीं है ठीक हो गया अच्छा ये चावल के साथ सर्व करते हैं सब वाइट राइस पसंद करते हैं अच्छा 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 ठीक ठीक हाँ मतलब वो बगैर मसाले वाले राइस लेकिन ये राइस मुझे बहुत खास लग रहे हैं किसी मतलब स्टीम है ना बहुत स्पेशल किस्म के बॉयल करके हाँ डन करके फिर इसको स्टीम किया जाता है अच्छा 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 ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के राइस है राइस भी पाकिस्तानी है ना अच्छा ये पाकिस्तानी राइस पाकिस्तानी राइस है कौन से है पाकिस्तानी ये सेला सेला है अच्छा अच्छा लेकिन इसके पकाने का अंदाज अलग है क्योंकि पाकिस्तान में भी सेला मैंने खाया लेकिन इतने लंबे और इतने खूबसूरत राइस नहीं होते पाकिस्तानी ये मंदी भी आ गई जनाब और ये श्रिम्प आ गए हैं श्रिम्प है ना ये श्रिम्प अच्छा अच्छा क्या बात है ये चेक करें श्रिम्प ये भी स्पेशल किस्म के हैं बड़े ज़बरदस्त ये श्रिम्प की डिश है और साथ में मंडी इस तरह पाकिस्तानी जब मिलते हैं ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सपेक्ट भी हम बंदा नहीं कर रहा होता तो बड़ा एक दिल खुश हो जाता है बंदे का और बड़ा फख्र भी होता है कोई बात नहीं तो इलियास भाई ने जो है ना मेरी बड़ी टेंशन जो है ना वो दूर कर दी मैं चाह रहा था कि मैं 2-3 आइटम सी फूड के ट्राई कर लूँ लेकिन अब इनका एक प्लेटर था वो तकरीबन 1.5 million का था जो कि बहुत बड़ा था और 2 लोगों में वो नहीं था इन्होंने एक स्पेशल मेरे लिए फेवर की है कि आपने इन्होंने बोला है कि आप एक आइटम ट्राई वो कर लें सिंगल फिश कर लें कुछ कर लें इंशाल्लाह वही फुल सेम सेम वही डिश होगी आपको फुल वो इसमें हाफ क्या बात है थैंक यू सो मच देखिए ये होता है हम पाकिस्तान के लोगों का इतना ज़्यादा वो क्लूस है देखिए मंदी स्पेशल आ गई है हमारे लिए अरेबिक मंदी एंड प्लस दिस इज सी फूड प्लेटर इसमें सी फूड के बहुत सारे आइटम्स हैं और बिल्कुल गरम गरम सलाद कि दिस इज सलाद और ये सलाद कितने ज़बरदस्त किस्म से तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया है और दिस इज रंगीनेक ओके दिस इज़ द स्वीट डिश ये जो मैंने मुझे सजेस्ट किया है मलिक ब्रो ने उन्होंने बोला कि ये रंगीनेक आप ट्राई करें लाजमी तो अभी हम लोग इसको करते हैं ट्राई ये मंदी चेक करें कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है और मछली का वो पीस है पूरा इसके अंदर ये देखें ये सी फूड प्लेटर है एंड दिस इज़ समोसा एंड पकोड़ा एंड सम सैलेड और ये है हमारा टोटल खाना और इलियास भाई ने जो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा तकल्लुफ़ कर दिया हमारे लिए बट शुड वी ट्राई फर्स्ट दिस वन ओके ये मीठा ट्राई करने का बोल रहे हैं जनाब और ये चेक करें ये गर्म गर्म कहते हैं इसको खा लेना चाहिए और ये खजूर है इसमें और ऊपर कुछ वो है रंगीनेक ओके सो दिस इज दिस इज नाइस वाओ बहुत आला यार बहुत मज़े की डिश है ये यार ये इसमें मैं आपको बताता हूँ मुझे किस किस चीज़ की आ गई एक जो हमारा हलवा होता है ना सूजी वाला वो सूजी वाला हलवा है और खजूरें हैं इसके अंदर और इसके अंदर ये वाइट सा कुछ है ये सब मे बी को खोए की तरह कुछ चीज़ है या जो भी है बहुत अलग है यार ये ये मंदी स्पेशल चेक करें ये बड़ी नरम सी और बेहतरीन सी ये देखें और इसमें 3 किस्म के राइस हैं 3 kinds ऑफ राइस येलो मसाला वाइट और ये देखें ये इसकी एक बाइट बना ली मैंने इसमें लीमू की ज़रूरत नहीं है इतना टेस्टी है कि मेरे ख्याल में ये बहुत इसको लीमू शीमू डालने की ज़रूरत नहीं है ये थोड़ा सा अचार है इसके अंदर ये देखें अगर आपको खट्टा पसंद करते हैं तो ये देखें अच्छा ये वाला जो गोश्त है ईरान का है नज़र आ रहा है बेहतरीन सा वाइट राइस के साथ ये वाला देखते हैं दिस इज यार ये बहुत मज़ेदार है ये तो माशाल्लाह बहुत आला ये चीज़ है
माशाल्लाह आपके हाथ में जायका बहुत है, यहाँ भी करते हैं ना सारा माशाल्लाह। फिश फ्राइड है, जी, ये वो है श्रिम्प है, स्क्विड है, और ये स्क्विड है, अंका स्क्विड, स्क्विड, हाँ स्क्विड ये क्या चीज होती है, ऑक्टोपस, ये जो स्टार फिश होता है, ऑक्टोपस, स्टार फिश, ना ना स्टार फिश, स्टार फिश है। ऑक्टोपस अच्छा हो गया, ये स्टार फिश है, हाँ स्क्विड जिसको बोलते हैं, और ये क्या चीज है, ये शार्क है, ये जी शार्क है, और ये शार्क मछली का सालन, सालन बना हुआ है, ये कीमा बना हुआ है, अच्छा कीमा बना हुआ है, साल जी शार्क मछली का कीमा है, जी और ये फिर ये ये श्रिम्प है मेरे ख्याल शरूम में, है, जी ये शरूम श्रिम्प, बोल जाता है, श्रिम्प का सालन है मेरे ख्याल जी जी से। शरूम, अच्छा ये है जनाब, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं, और इलियास भाई ने आज बहुत तकल्लुफ कर दिया नहीं कोई बात है। नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ सबसे पहले ट्राई करता हूँ मैं श्रिम्प का अच्छा पीस, ये ये फ्राइड चेक करें, श्रिम्प, ये श्रिम्प, इसको मैं चेक करता हूँ, बिस्मिल्लाह। श्रिम्प बहुत मजे का यार। वाह क्या बात है, बहुत ही आला, ये इनकी फ्राइड फिश है, ये देखें एक पीस, ये क्या करें, और ये बोनलेस है, ये यहाँ की लोकल फिश है समुद्री, ये चेक करें, बहुत ही आला किस्म की, और इसको मैं प्याज के साथ थोड़ी सी ट्राई करता हूँ, ये प्याज, और बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में भी मैंने फिश फ्राई खाई है, लेकिन इस मछली की तो क्या ही बात है, इसमें एक पाकिस्तानी टच है, पाकिस्तानी मसाले इसमें मुझे मिल रहे हैं, धनिया पाउडर है इसमें जिसका स्पेशल मुझे जो है ना उसको अरोमा आ रहा है और टेस्ट आ रहा है, और बहुत ही आला यार। और अभी मैं सालन ट्राई करता हूँ, ये स्किड है, स्टार फिश, इसको देखते हैं, ये देखते हैं स्टार फिश के पीसेस हैं बड़े बड़े, ये देखें, और इसका मैं टेक्सचर चेक करूँगा, ये देखें, ये बड़ी सख्त सी होती है, ये देखें, मतलब जैसे श्रिम्प होता है वैसे ही है, थोड़ा सा मीट भी होता है इसमें, देखें, और इसको मैं बड़ी सी एक बाइट बनाता हूँ, ये देखें, ये बिस्मिल्लाह। लाइफ में पहली दफ़ा खाई है स्टार फिश जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसका टेस्ट कैसे लग रहा है मुझे, ये ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सब्जी होती है ना, कि बंदा सब्जी खा रहा हो, जैसे हमारी आलू होता है या कद्दू टाइप इस तरह का, लेकिन सख्त है ये, वो नरम होते हैं, ये थोड़ी सख्त है, इसका टेस्ट इस तरह है, अच्छा टेस्ट है, बहरहाल ये एक नई मेरे लिए तजर्बा है, और ये जो है श्रिम्प यानी श्रिम्प का सालन बना हुआ है, इसको रोटी के साथ ट्राई करता हूँ, ये श्रिम्प जो है ये काफ़ी सख्त है, देखें ये छोटा श्रिम्प होता है जिसका सालन बनाते हैं, ये देखें स्टार फिश, और इसका टेक्सचर मिलता जुलता है तकरीबन एक जैसे ही होता है, ये चेक। ये श्रिम्प का सालन बहुत मजे का यार, अभी मैंने इसमें कोई लीमू शीमू नहीं डाला, अगर लीमू डालूं तो ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, और फाइनली मैं इसको देता हूँ जनाब शार्क, शार्क का कीमा या सालन, इसको चेक करता हूँ, ये देखें, ये साथ में थोड़ा थोड़ा इन्होंने वो भी दिया हुआ है, अचार वगैरह भी दिया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों का, और रोटी जो है ना रोटी बड़ी स्पेशल सी है, ये डिफरेंट है, इसमें इस तरह की ईरान में मैंने रोटी नहीं देखी, ये बड़ी ज़बरदस्त सी रोटी है, और ये हो गई शार्क की कीमा, और थोड़ा सा इसमें अचार रखते हैं, और थोड़ा सा इसमें ही रखते हैं ये इसमें, हर चीज़ जो है ना एक से बढ़कर एक है, मंदी उसका कोई जवाब नहीं है, ये सी फूड जो है इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब बहुत आला है, यू ब्रॉट मी टू द राइट प्लेस, द बेस्ट प्लेस, दिस इज वेरी टेस्टी डिलीशियस।
थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. हम लोग इसको कोशिश करते हैं खत्म तो नहीं हो सकता हमारे से, ये कोशिश करते हैं खत्म करने की और मैं आपसे मिलता हूँ इसके बाद. हाउ डिड यू लाइक द फूड? डिड यू लाइक फूड? ग्रेट, इट्स गुड. ग्रेट. व्हिच वन डिड यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक दिस वन. मंदी? हां, दिस इज वेरी, यस आई लाइक इट टू, इट्स वेरी गुड. ओके जी, मिलते हैं. अच्छा जी, तो फाइनली इलियास भाई ने एक और चीज मीठे में दी है, ये मुलाबिया. मुलाबिया ये भी अरेबिक है? अरेबिक है जी. अरेबिक है, ये चेक करें जरा और इसकी लुक चेक करें. इसमें ये पाइनएप्पल कॉकटेल वगैरह है सारा कुछ है ना? चेक करते हैं ये कैसी है. ये मेरे ख्याल में दूध से बनती है. जी जी, दूध से बनती है. चेक करें, इसका तो टेक्सचर ही बड़ा मजे का है यार, ये देखिए. और इसका मैं चेक करता हूँ. बहुत मजेदार है यार ये, क्या बात है. ये बहुत ही डिफरेंट है यार, हमारे जो मीठे होते हैं ना उससे बहुत हट के इसका टेस्ट है और बहुत मजे का है. चेक करें इसका टेक्सचर, चेक करें आप. बहुत ही आला यार, बहुत ही आला. अगर आप किश में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, दुबई से आते हैं, ओमान से आते हैं, ईरान से आते हैं, तो आपने ये वाला रेस्टोरेंट स्पेशली लाजमी शबाए दफारी ये वाला रेस्टोरेंट आपने लाजमी विजिट करना है. और यहाँ पे आपको बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. यहाँ पे आपको अरेबिक भी डिशेज मिलेंगी, ईरानियन डिशेज मिलेंगी, पाकिस्तानी पकौड़े समोसे और पाकिस्तानी कौरमे वो मिलेंगे, और मतलब हर चीज आपको मिलेगी. कढ़ाई भी है ना? कढ़ाइयाँ भी है पाकिस्तानी, और बिरयानी भी है ना? बिरयानी भी है, और बिरयानी शरीम बिरयानी सब. अच्छा अच्छा, और बुफे भी है मेरे ख्याल में आपका? बुफे ये फकत रमजान के लिए है. अच्छा, रमजान के लिए जी. इफ्तार, इफ्तार बुफे है ये. अच्छा जी जी. अच्छा, इफ्तार बुफे भी, अगर रमजान में आप आते हैं तो इफ्तार बुफे भी मिलेगा आपको, और सरप्राइज मिलेगा आपको. टेस्ट में इतना जबरदस्त आपको जायका मिलने वाला है यहाँ पे. यार यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं बड़ी यूनिक हैं. अब ये इनका सैलेड जो है ना, ये मैंने चेक किए, ये सैलेड भी बहुत ही यूनिक है. मतलब इसमें फतूश है. फतूश जी, ये सैलेड ही जो है ना, खाली आप ट्राई करें तो ये इतना मजे का है यार. इसमें ये वो जैसे हमारी वो पापड़ी होती है उस तरह की चीज है ये, और ये सैलेड है, और ये इमली का पानी है मेरे ख्याल से. जी जी, अनार का. अनार का है जी, जी. अनार का पानी है. एम्बियंस है, जो माहौल है, एटमोसफेयर है, बहुत ही कमाल का है. यहाँ पे आपको तारीखी चीजों का भी एक हिस्ट्री भी मिलेगी, यहाँ की ट्रेडिशनल जो है ना चीजें मिलेंगी. तो आप अगर किश में आए और आप ये मिस करें ये रेस्टोरेंट, तो फिर आपने फिर किश में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच इलियास भाई, आपका इतना कोऑपरेट करने का बहुत शुक्रिया. और यहाँ आपको ये भी एक कमाल मिलेगा कि आपको पाकिस्तानी शेफ़ भी यहाँ पर मिलेगा, और पाकिस्तान का हर खाने में थोड़ा सा आपको टेस्ट मिलेगा. जैसे कि अभी मैंने चेक किया है, ये फ्राइड फिश, इसमें धनिया पाउडर यूज़ हुआ, धनिया पाउडर यूज़ हुआ ना इसको, इसमें धनिया पाउडर जो कि ईरान में कहीं किसी मसाले में धनिया पाउडर यूज़ नहीं होता है. बिल्कुल. और धनिया पाउडर ने इसका जो है ना फ्लेवर ही अलग कर दिया, बहुत बेहतरीन सा. तो खाना खाना हमने खा लिया है, अभी मैं आपसे फिर मिलता हूँ अपने किसी अगले स्पॉट पर. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.